सरगुजा जिला खनिज संस्थान न्याय शासी परिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। सरगुजा जिला खनिज संस्थान न्याय शासी परिषद की बैठक जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मीटिंग हाल में बैठक रखी गई। इस बैठक में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, जिला कलेक्टर विलास भोसकर और सरगुजा जिले के 3 क्षेत्र विधायक उपस्थित रहे। इस बैठक में सरगुजा जिला के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के सदस्य विधायक राम कुमार टोप्पो के द्वारा सरगुजा जिले के प्राथमिक शालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। विधायक राम कुमार टोप्पो ने बताया कि प्राथमिक शाला के बच्चों को मध्याह्न भोजन के संग उबाला हुआ चना और सप्ताह में एक दिन खीर परोसा जाएगा और वहीं आंगनबाड़ी के नवनिहाल सभी बच्चों को भी एक दिन अंडा व केला दिए जाने को प्रस्तावित किया गया है। मैनपाट पर्यटन क्षेत्र को लेकर भी कुछ फैसले लिए गए हैं। मैनपाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की खूबसूरती में मैनपाट के झरने 4 चांद लगाते हैं। मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ देश का दूसरा बड़ा झंडा पार्क स्थापित होने जा रहा है, जो मैनपाट आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। DMF की बैठक में अनेक जो प्रस्ताव थे वो पास किए गए हैं, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल में जिला के कलेक्टर साहब के प्रस्ताव पर हर दिन चना, जो एडिशनल जो भोजन मिलता है उसके साथ साथ उबाला हुआ चना देने का जो प्रस्ताव था उस पर भी पास किया गया, और साथ ही साथ हमारे द्वारा एक दिन का खीर बनाने का चावल का वो प्रस्ताव था उसको भी पास किया गया, और अब मध्याह्न भोजन के साथ साथ ये दोनों चीज़ें DMF मद से पूरे जिला में दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो मैनपाट क्षेत्र है, यहाँ से बॉक्साइट की खनन होता है और इसका ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो ये क्या है, जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी रोड का इस्तेमाल कर रही हैं, तो चूँकि पर्यटन के लिहाज से भी हमारा क्षेत्र में क्या है, गाड़ियों का आगमन ज़्यादा रहता है, तो दुर्घटना वाली जो समस्या है वो आए दिन देखने को मिलता है और रोड की कंडीशंस क्या है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको देखते हुए मैंने प्रस्ताव रखा था कि जो लोड वाली वाहन है, भारी वाहन है, उसके लिए मैनपाट में जाने के लिए एक विशेष ट्रांसपोर्टिंग रास्ता आरक्षित किए जाएँ। उसके अलावा किसी भी रास्ते में जो भारी वाहन का आवागमन जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो, तो इसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि चिरगा में उतरने वाले जो रास्ते हैं मैनपाट से, उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। आधिकारिक रूप से इसका निरीक्षण अभी कुछ दिन में शुरू हो जाएगा और ये आदेश भी पारित हो जाएगा उसके बाद कि जो रास्ते हैं, अन्य रास्ते, उसको भारी वाहन इस्तेमाल ना करें। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।